नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज है 4 सितंबर 2020 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल, हाउ मेनी चाइनीज ऐप वर बैंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में इंडिया ने कुछ चाइनीज ऐप को परमानेंटली बैंड कर दिया है इंडिया में, ठीक है। तो ये जो संख्या है ये है 118 मोबाइल ऐप्स को बैन किया गया है। इसके जो पहले जो आपकी बैन हुई थी उसमें बताया जा रहा था कि अप्रोक्सीमेटली आपका टोटल नंबर ऑफ 59 चाइनीज ऐप बैन किए थे और अब एक नया लिस्ट निकल के आया है, 118 मोबाइल ऐप्स बैन हो चुके हैं। तो द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि 118 वो मोबाइल ऐप्स बैन करेंगे जिसकी ओरिजिन चाइनीज है। इसमें से जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो नाम बन के आ रही है वो है आपके पबजी, जो कि प्लेयर अनोन बैटल ग्राउंड आपकी गेमिंग है, ठीक है। एक आपकी एक्शन स्पोर्ट्स गेमिंग है जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। तो इंडिया ने रीजन बताया है कि ये जो आपका चाइनीज ऐप है वो किसी न किसी तरह से इंडिया की जो न्यूज है जो भी आपका अंडर सीक्रेट्स है उसको लीक कर रही है या फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर रही है कंट्री से दूसरे कंट्री। तो अंडर 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत से इन सारे ऐप को बैन किया गया है। अगला सवाल है, विच स्टेट लॉन्च्ड गंदगी भारत छोड़ो। तो किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो नाम का एक कैंपेन चालू किया है। तो ये जो कैंपेन चालू करने वाला है वो उसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन के नाम से एक कैंपेन आपका चलाया है पूरे मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो ये आपकी 15 दिन की कैंपेन होंगी जिसमें माना जा रहा है कि 25 लाख पीपल आपके पार्टिसिपेट करेंगे और 378 अर्बन बॉडीज होंगे जो कि इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका आपका मेन यही होगा कि जो भी आपका क्लीनिनेस हो उसको बढ़ाया जाए और जो भी गंदगी है उसको साफ किया जाए। इसको देखते हुए इस कैंपेन को 5 थीम में डिवाइड किया गया है, जैसे क्लीनिनेस ओथ मतलब साफ सफाई करने का हम लोग शपथ लेंगे, कंटिन्यूअस रिडक्शन इन अर्बन वेस्ट एमिशन शहरी क्षेत्र में जो लगातार आपका पॉल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं फ्रॉम फैक्ट्रीज फ्रॉम द व्हीकल्स फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज उनको रिड्यूस करने की बात है, क्लीनिनेस इन कोविड कंडीशन। अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे काम रुका हुआ है तो उनका कहना है कि कोरोना के वजह से भी कुछ काम है जो मतलब कि वो होंगी और वो साफ सुथरा किए जाएंगे। सेपरेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम सोर्स ऑफ हाउसेस मीन्स घर घर से भी गंदगी निकाली जाएगी एंड लॉन्चिंग स्पेशल क्लीननेस कैंपेन फॉर पब्लिक एरियाज। तो कुछ कुछ ऐसे पब्लिक एरिया जैसे पार्क वगैरह हो गए, रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह, इन तरह के जगहों को और अच्छी तरह से साफ किया जाएगा। इसके साथ आपका बहुत सारे अवार्ड सेरेमनी भी होंगे, जैसे कि उनमें से जो अच्छा करेंगे उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। इसमें आपका मास्क डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, प्रॉपर सैनिटाइजेशन भी होगा प्लेसेस का। तो ये सारा कुछ है गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन के तहत। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला सवाल है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के पहले या फिर कह लो पहला महिला डीजी कौन है, तो ये है आपके उषा पधी। उषा पधी जी को चुना गया है आपका डीजी के रूप में, डायरेक्टर जनरल के रूप में, और ये ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के, उन्होंने उषा पाधी जी को एडिशनल चार्जेस दिए हैं डायरेक्टर जनरल का, जो कि आपका ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है। इनका जो आपका टेन्योर खत्म होगा वो होगा 16 जुलाई 2022 को। ये सक्सीड कर रही है राकेश अस्थाना को जो अपॉइंट किए गए हैं जनरल डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑन 17 अगस्त 2020। अगला सवाल है,
व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020? 2020 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के रैंकिंग में भारत की क्या स्थान है? तो भारत का स्थान है 48वां। बात करें ये जो हुआ था 2020 का, ये आपका 13वां एडिशन हुआ था, 13वां सेशन हुआ था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का, जिसमें आपकी 131 कंट्रीज पार्टिसिपेट की थी, जिसमें भारत ने 4 रैंक की बढ़ोतरी की है। कहने का मतलब 2019 में भारत की रैंक 52 थी और 2020 में भारत की रैंकिंग 48 है। और ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स भी हैं जहां पे भारत का रैंकिंग बहुत ज्यादा अच्छा है, वो टॉप में आए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये थोड़ी सी अच्छी न्यूज है भारत के लिए रैंकिंग में, इस तरह के रैंकिंग में, ठीक है। पहला स्थान जो मिला है वो आपका स्विट्जरलैंड को मिला है, ठीक है। अगले सवाल पे जब बढ़ते हैं, विच यूनियन टेरिटरीज ज्वाइंस वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम अलोंग विद लक्षद्वीप? लक्षद्वीप के साथ एक और यूनियन टेरिटरी को वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए अप्रूवल मिल गया है, तो ये किसे मिला है? ये मिला है लद्दाख को। लद्दाख अभी हाल ही में यूनियन टेरिटरीज बनी है, जिसमें जो कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से अलग होकर जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी बनी है और वही लद्दाख अलग यूटी बनी है। तो उन्होंने अप्रूवल दे दिया है, जो भी टेस्टर्स हुए थे वो सारे टेस्ट आपके सब सही थे, तो इसलिए अब इसको यहाँ पे भी आपका वन नेशन वन राशन कार्ड चलेगा। मतलब राशन कार्ड के मदद से लोगों तक खाना पहुंचाई जाएगी, जो भी राशन होता है वो दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लद्दाख की कैपिटल है लेह एंड कारगिल, लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती। अगला सवाल है, व्हेन इज नेशनल न्यूट्रिशन वीक की सेलिब्रेटेड? हम लोग कब नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट करते हैं? तो हम लोग ये हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर सेलिब्रेट करते हैं, मतलब सितंबर के पहले हफ्ता में ही हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 1982 से, ठीक है। जो हमारी जो इंडिया की जो कमिटी है, नेशनल और आपकी फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है इवेंट्स वगैरह, और इसमें जो भी आपका फूड से रिलेटेड है इन्फॉर्मेशन, न्यूट्रिएंट जो हमको लेना चाहिए उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या हमारे लिए हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है, सारे बारे में। तो अगर हम इसके मिनिस्टर की बात करें रिलेटेड की, तो इसकी मिनिस्टर है स्मृति जुबिन ईरानी। अगला सवाल है, Who appointed as the CEO of Railway Board? Railway Board के Chief Executive Officer किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है वी के यादव जी को, ठीक है। तो इनका अपॉइंटमेंट जो भी कैबिनेट है उन सब ने अप्रूव किया है और इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड एज द CEO, ठीक है। ये जो भी आपका रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन रिसोर्स और असिस्टेंस फ्रॉम DG के काम भार को ये संभालेंगे। अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो यहाँ के मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी। अगला सवाल है, नेम द स्टेट हु अपॉइंट्स इंडियाज फर्स्ट एवर वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर। कौन ऐसा भारत का राज्य बन गया है जो कि पहला महिला एम्बुलेंस ड्राइवर, आपातकालीन गाड़ी जो होती सेवा होती है हॉस्पिटल्स की, उसकी ड्राइवर के रूप में किया गया है? तो ये बन गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने एम वीरा लक्ष्मी जी को अपॉइंट किया है एज अ ड्राइवर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। एक एम्बुलेंस की ड्राइवर एक महिला होगी और इस महिला का नाम है एम वीरा लक्ष्मी जी, ठीक है। और ये लॉन्च किया गया है वहां के जो CM है पलन स्वामी जी के द्वारा। तो पलन स्वामी जी ने 24 मार्च को ये अनाउंस किया था कि वो 108 एम्बुलेंस एमरजेंसी सर्विस को लाएंगी, जो मतलब 108 आपके टोल फ्री नंबर है, ठीक है। तो उन्होंने 500 न्यू एम्बुलेंस डेडिकेट किए हैं स्टेट को, जिसकी कुल लागत है 125 करोड़ रुपए। अगला सवाल है, हु ज्वाइंड एज द न्यू चीफ पोस्टमास्टर जनरल ऑफ जम्मू। तो जम्मू के न्यू चीफ पोस्टमास्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है शैलेंद्र दशोरा जी को। शैलेंद्र दशोरा जी ने आपका ये पदभार संभाल लिया है एज अ न्यू चीफ पोस्टमास्टर जनरल जम्मू एंड कश्मीर सर्कल के जम्मू में। जैसे इन्होंने ये आपका पदभार संभाला है, इन्होंने पूरा रिव्यू किया है फंक्शनिंग ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट, जैसे वहां पे किस तरह से काम चल रहा है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, वो सारे के बारे में सबसे पहले इन्होंने जानने की कोशिश की। अगला सवाल है, Who has been named as the new brand ambassador of Myntra? Myntra आपकी एक फैशन हब, आपकी ऑनलाइन वेबसाइट है, तो इसका न्यू ब्रांड एम्बेसडर किन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया है बॉलीवुड की फेमस एक्टर कायरा आडवाणी जी को। कायरा आडवाणी आपकी बहुत ही रिनॉन एक्ट्रेस है आप बॉलीवुड में, इन्होंने टॉलीवुड में भी काम किया है, तो
बात करें अगर हम मिंत्रा की, मिंत्रा आपकी एक फ्लिपकार्ट की एक ऑन कंपनी है, मतलब फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को खरीदा हुआ है, तो उन्हीं की कंपनी है, फैशन मार्केट प्लेस है, जिसने अपॉइंट किया कह रहा है आडवाणी जी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर। इनको अपॉइंट करने का उनका कारण ये है क्योंकि ये कायरा आडवाणी जी अभी यूथ में बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत इनका जो फैन फॉलोइंग है बहुत ही अच्छा है, तो हो सकता है कि इनको देखते हुए जो भी इनके ब्रांडिंग है, एंडोर्समेंट है, उससे कंपनी को थोड़ा सा फायदा हो और जो यंग कस्टमर्स है उनको अट्रैक्ट किया जाए, तो मार्केट प्लेस में थोड़ा सा इनको बढ़ोतरी हो सकती है। ये सब चीज को देखते हुए कायरा आडवाणी जी को अपॉइंट किया गया है। तो ये थे हमारे आज के कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।